सो वेलकम टू ऑल माई सब्सक्राइबर टू योर वॉइस जय जय श्री चैनल। तो गाइस एक वीडियो देखा मैं और इससे ये पता चल रहा है कि टाइगर थ्री उसको बॉयकॉट करने बोल रहे लोग जब उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ। आपको पता है इससे पहले भी पठानकोट बॉयकॉट करने की कोशिश की गई, बट एज वी नो SRK उसी तरह टाइगर थ्री को बॉयकॉट करने की बात हो रही है, और एज वी नो सलमान भाई। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं उस वीडियो को दिखाने के लिए जिससे मेरे को ये चीज पता चली है। अगर मेरी स्माइल देख रहे हो, वही बात है कि ना तो पठान को बॉयकॉट कर सके ना तो टाइगर थ्री को लोग बॉयकॉट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो पे नए आए हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो, और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फोन की स्क्रीन पर और बताता हूँ सलमान भाई की पिक्चर के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। तो आ गया हूँ मैं आप लोगों को मेरी फोन की स्क्रीन पे लेके, और मैं देखते हैं सलमान भाई के बारे में क्या क्या बात हो रही है। बजरंगी भाईजान कहाँ गए? पाकिस्तान गए। बजरंगी भाईजान श्रीलंका क्यों नहीं गए? अरे फंड देने के लिए, सलमान खान जी दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं। तो ये लोग क्या है, हमारे देश से कमाते हैं। बिल्कुल फुल्ली बायकॉट, पूरा खान गैंग बायकॉट। अरे हम मुस्लिम से मूवी नहीं देखते यार। कोई औकात नहीं है सलमान खान की, साफ आ रहे हैं। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर इन अन वक्तों पर। आपको पता होगा ये शाहरुख खान आमिर खान की मूवी का बाइकआउट किया करते थे, लेकिन आने वाली सलमान खान की टाइगर थ्री का भी बाइकआउट करने आ गए हैं कुछ कुछ नमूने। तो चलिए इनकी लेते हैं अच्छे से, वीडियो में बने रहना है तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आते हैं हमारे हैं, फंड कहाँ देते हैं? पाकिस्तान में जाके। इमरान खान को कैंसर हॉस्पिटल खोलना था तो आमिर खान जी जा रहे हैं फंड देने के लिए। अच्छा, शाहरुख खान जी जा रहे हैं फंड देने के लिए, सलमान खान जी दे रहे हैं फंड दे रहे हैं। तो ठीक है, ये लोग क्या है, हमारे देश से कमाते हैं और जाकर के फंडिंग करते हैं पाकिस्तान में। समझ गया, तो इसीलिए इनका विरोध होना चाहिए और इनकी फिल्मों का विरोध होना। अच्छा बजरंगी भाईजान मूवी बनी, बजरंगी भाईजान कहाँ गए? पाकिस्तान गए। बजरंगी भाईजान श्रीलंका क्यों नहीं गए? बजरंगी भाईजान श्रीलंका क्यों नहीं गए? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और बजरंगी भाईजान तो नेपाल भी जा सकते थे। यही बात है। और बजरंगी भाईजान तो मैम बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया के टच में आती है, फिर वहाँ से क्यों नहीं गए? चाइना का तो बॉर्डर खुला हुआ है, वहाँ क्यों नहीं गए बजरंगी भाईजान? आपकी औकात बता रहा हूँ सर। इस्लाम जिंदाबाद, कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। होना चाहिए। और मुझे लगता है आमिर खान की मूवी, क्या आमिर खान की सारी मूवी, सलमान खान की सारी मूवी, ये सब मूवी को बायकॉट कर देना चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जो रवैया इन लोगों का देश के प्रति और हिंदुओं के प्रति चल रहा है उसको देखते हुए हर एक पिक्चर को बायकॉट करना चाहिए। अच्छा 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 कोई औकात नहीं रह गई आमिर खान की, कोई औकात नहीं है सलमान खान की, साफ सीधी बात है। लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। बिल्कुल फुल्ली बायकॉट, पूरा खान गैंग बायकॉट। बायकॉट बॉलीवुड का होना चाहिए। जो सपोर्ट करते हैं ना इंडिया को, सपोर्ट नहीं करते, बाहर कंट्री को सपोर्ट करते हैं। अरे हम मुस्लिम की मूवी नहीं देखते यार। मेरा वक्त पहले मैं पूरा पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दूं दुनिया के। प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। 20 साल अपना सब कुछ इंडिया की हिफाजत के लिए लगा दिया, तो आपको क्या लगता है इनके बाइकआउट करने से सलमान खान की टाइगर थ्री फ्लॉप हो जाएगी क्या नहीं? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस याद से बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस चीज पे, क्या आप लोग भी चाहते हैं टाइगर थ्री बॉयकॉट हो जाए? देखो मेरे को बहुत हंसी आ रही है, आप लोग मेरे वर्ड्स पे मत जाना। तो आप लोग भी चाहते हैं टाइगर थ्री बॉयकॉट हो जाए या आप भी चाहते टाइगर थ्री रहे? और सलमान खान के फैंस या जो भी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अपना ओपिनियन जरूर। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।